हेलो बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 15 और हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। तो एल्कीन में वाटर ऐड करने के तीन मेथड थे। पहला मेथड था एसिड कैटलाइज्ड, जो कि हमने लेक्चर नंबर 13 में पढ़ा। फिर था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा। और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और आज तीनों मेथड का मतलब तीनों मेथड से क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या डिफरेंस रहता है, ये भी लास्ट में हम समझा देंगे। तो शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। निकाल लिया, हेडिंग लगाएं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, ठीक है। ये एक मेथड है जिससे हम वाटर ऐड करते हैं एल्कीन में। जैसे मान लो यहाँ हम एल्कीन ले लें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल लिया है ताकि हम आपको समझा सकें कि मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा कि नहीं, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ध्यान से रिएजेंट, ध्यान से देखना, रिएजेंट है CH3COO होल ट्वाइस HG, मर्करिक एसीटेट, सेकेंड नंबर पे वाटर, थर्ड नंबर पे NaBH4 इन अ बेसिक मीडियम। दो स्टेप हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन फिर डी मर्क्यूरेशन, मतलब जो मर्क्यूरेशन हुआ उसको खत्म भी करना है। ओवरऑल जो रिजल्ट है इसका वो एडिशन ऑफ वाटर है ना। इतनी लंबी कहानी लिखी है, लिखा वो लिखा, लास्ट में क्या हुआ, सिर्फ वाटर ऐड हुआ, यानी CH3CH CH2, इसमें वाटर ऐड हुआ H और OH, बीच वाले कार्बन पे गया OH, साइड वाले पे H। अब बताओ मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। पक्का हुआ है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा थे उसी पे हाइड्रोजन लगा है। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे H जाएगा जिस पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। वैसे तो कहता तो यह है कि अगर हमारे पास AB स्पीशी है तो इसमें से पॉजिटिव वाला उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है या जहां क्राउड कम है। यहां क्राउड कम है, तो जैसे आप वाटर देखो HOH, तो पॉजिटिव वाला कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां क्राउड कम है या हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो हाँ, ये हम श्योर हो गए कि एडिशन ऑफ वाटर हुआ है किसके द्वारा, मार्कोनिक ऑफ रूल के द्वारा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिक। अभी लेक्चर के एंड में तीनों आज क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की, तो लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, समझते हैं हम उसको। शुरू करें, क्लियर है एडिशन ऑफ वाटर। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने यहां ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहले हम इसका मर्क्यूरेशन करेंगे। जरा ध्यान से देखना, हमारे पास जो स्पीशी थी वो थी CH3COOHGOC डबल बॉन्ड OCH3, यही तो है CH3COO होल ट्वाइस HG, मर्करिक एसीटेट। अरे यही तो लिखा था CH3CO होल ट्वाइस HG, मर्करिक एसीटेट। अब इतना लंबा लंबा बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं, इतने को हम बोल देते हैं AC और इसको हम बोल देते हैं AC, ये हो गया AC। तो हम लिखेंगे इसको HGOAC होल ट्वाइस। बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, शॉर्टकट मारा, कौन बार बार लिखेगा CH3COO होल ट्वाइस HG से अच्छा HGOAC होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां हमने लगाया HGOAC और इधर भी HGOAC, समझ गए, मर्करिक एसीटेट, AC समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको पता है थोड़े मनचले से होते हैं ना, थोड़े से बदमाश टाइप के होते हैं, इधर उधर घूमना चाहते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस मर्करिक एसीटेट से कहेंगे तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशी क्यों है, लड़ाई लगवा देंगे, लड़ाई लगवा देंगे मतलब पोलराइज कर देंगे। क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइजेस HGOAC, ये वाला बॉन्ड HGO बॉन्ड, इस बॉन्ड को पोलराइज कर दिया,
पोलराइज करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा माइनस आने लगेगा, मरकरी के ऊपर थोड़ा प्लस। यही तो ये चाहते थे, घर में फूट डाल दी। अब पाई इलेक्ट्रॉन को मरकरी Hg+ से प्यार होगा, भाई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ एल्कीन का रोल क्या है? न्यूक्लियोफाइल का रोल है, न्यूक्लियोफाइल का रोल है। अब ये HgOAc को पकड़ लाएंगे और OAc- बाहर निकल जाएगा। समझो, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, OAc बाहर निकल गया, माइनस OAc यानी CH3COO- बाहर निकला। और क्या हुआ? CH3CH CH2। अब ध्यान से देखना क्या होने जा रहा है, ध्यान दो। Hg प्लस OAc। अब बोलोगे ये क्या चीज है सर, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा के Hg कहीं जुड़ जाता? नहीं जुड़ा। यहाँ पे मरकरी का एक कॉम्प्लेक्स बन के सामने आया। क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स हमने पहले कभी देखा है? एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन के वीडियो में, ब्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स। भाई ब्रोमीन भी ऐसे ऐड होता था, Br+ ब्रोमोनियम आयन आता था और ऐसे फंस जाता था। इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है, या सिंपल नॉन क्लासिकल केटायन भी बोल सकते हो। तो ये स्पीशी बनी। अब इसके बारे में जानना है तो आपको एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन देखना चाहिए, वहां पे बड़ा इसको डीपली एक्सप्लेन किया, उसके बिना आप यहां तक पहुंच भी नहीं सकते। एडिशन ऑफ ब्रोमीन तो पहले ही पढ़ाया है। तो यहां पे नॉन क्लासिकल, ऐसे समझो कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन के जंजाल में HgOAc फंस गया। क्यों फंसा? क्योंकि Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? ये खुद ही लाए, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियस लवर, पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज से प्यार, न्यूक्लियस से प्यार। तो घर में लड़ाई लगवा के पहले Hg+ को बाहर निकाला, फिर अपने जंजाल में फंसा लिया। इसको बोला हमने OxyMercuration हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ कि इस रिएक्शन का अगर ये RDS है, दिस स्टेप इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन, RDS तो समझते हो ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये RDS है तो किस एल्कीन का रेट ज्यादा होगा? उस एल्कीन का रेट ज्यादा होगा जिसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा इसको पोलराइज कर सके। यानी इस रिएक्शन का कभी मान लो रेट कंपेयर करना पड़े, दो तीन क्वेश्चन दे देता है ना कि किस में से कौन सा एल्कीन सबसे अच्छा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन शो करेगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कीन। कोई कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बना है, ठीक है, नॉन क्लासिकल है, कंसेप्ट अलग है, वैसे फंसा लिया है। पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कीन, या आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, जितना ज्यादा यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, उतना ये इसको पोलराइज करेगा। अब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कैसे होगा? मान लो इधर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, OH, OCH3 वगैरह, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे और पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। अच्छा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, CLVL लगाओ, F लगाओ, I लगाओ, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन एल्कीन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब वो पाई इलेक्ट्रॉन जाके इनके घर में लड़ाई लगा के यहाँ से Hg+ निकाल लेंगे। तो ये इसकी कहानी हो गई, मैकेनिज्म की मेन मेन बात। मान लो दो तीन एल्कीन दे दिया, बोला कंपेयर करो, जैसे मान लो आपको दे दिया कि एक एल्कीन है हमारे पास, मान लो CL CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन ए ये दे दिया, ऑप्शन बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ऑप्शन सी आपको दे दिया मान लो OH CH, ये ले लो OCH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमसे पूछा कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन शो करेगा, या ऑर्डर में अरेंज करो। तो भाई इस वाले में देखो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी। और यहाँ देखो कैसा ग्रुप है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, है कि नहीं भैया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होगा।
तो इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पोलराइज कर पाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन बुलाएंगे, ये सबसे कम करेंगे तो बेकार हो गया, और ये ना ज्यादा ना कम ठीक है, मतलब है ना घर का आदमी है ना मतलब ना ही ज्यादा कुछ गेन किया ना लूज किया, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। बोलो समझ में आए, नोट करें इतना, फिर आगे मैकेनिज्म बताएं। यही सब तो सवाल आ सकता है ना भाई, अब पूछ रहे हैं इसमें कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देगा, तो जो रट के आए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से सिर्फ क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है, ये सब चीजें रट के आए, उनका काम नहीं बनना, छोटी छोटी बातें ये सब, नोट करो, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आ गया तो फंस जाएगा आधा इंडिया इसमें, अंदर की बात थी एकदम, मिटा रहे हैं इसको। चलो तो यहां तक हुई कहानी, अच्छा ये सब मिटा दें, हम लिख लें, पॉज करके लिख लें, लिख लिया ओके। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना या नॉन क्लासिकल कैटाइन बना स्टेप नंबर वन में, फिर क्या हुआ, ये जो हमारे पास है सी एच थ्री सी एच सी एच टू एच जी प्लस ओ ए सी, अब इस पर अटैक किया सेकेंड स्टेप में वाटर के मॉलिक्यूल ने, है ना, तीन स्टेप थे, पहले एच जी ओ ए सी होल ट्वाइस, फिर वाटर, अब वाटर का अच्छा याद रखना क्या निकला है बाहर, ओ ए सी माइनस यानी सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस ओ ए सी माइनस, ये चीज बाहर निकली याद रखना, भी आ गया इसका भी इस्तेमाल है। अब वाटर आया यार, वाटर के पास लोन पेयर, अब ये स्पीशी देखो इलेक्ट्रोफाइल बन चुकी है, पॉजिटिव चार्ज गेन चढ़ चुकी है ना भाई, थोड़ा सा डेल पॉजिटिव इसमें होगा, थोड़ा सा डेल पॉजिटिव इसमें भी आ जाएगा, तो ये हमारी कैसी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये क्या चाहती है, वाटर को ऐड करना, तो वाटर का मॉलिक्यूल या तो इस कार्बन पे ऐड हो या इस कार्बन पे, अब आपको दिमाग लगाना है किस पे ऐड करने से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, खुद बताओ, मेरे ख्याल से तो इधर ऐड करने पे ज्यादा स्टेबिलिटी है, रीजन देखो बहुत सिंपल सा रीजन है, मतलब इन दोनों में से किस पे ऐड होगा, पहला सवाल तो ये था, देखो अगर इस पे ऐड करोगे होगा क्या, समझो आराम से, यहां से क्या किया एच जी इलेक्ट्रॉन लेके निकला, इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो इस कार्बन पे थोड़ी देर के लिए प्लस चार्ज आया, यानी ये कार्बोकेटाइन बना, कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री का, अच्छा जरा देखो सी एच थ्री सी एच सी एच टू एच जी ओ ए सी, यहां पे प्लस चार्ज, लिखना नहीं ये बात, कार्बोकेटाइन बनता नहीं, ये सब खटाक से होके खत्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं है कार्बोकेटाइन, बस बना खत्म, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके एच जी गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन चुरा के निकल गया, मस्त स्टेबल वहां पे, अब वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर देगा, अच्छा दूसरा जो आप कहानी सोच सकते थे वही हो सकता था कि एच जी ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, उस केस में क्या बनता, सी एच थ्री सी एच एच जी ओ ए सी सी एच टू और इसके ऊपर प्लस आता, दूसरा ऑप्शन ये था कि एच जी ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके निकले, ये लेके निकलता तो इस पे प्लस आता, ये कैसा कार्बोकेटाइन बनता थोड़ी देर के लिए, 1 डिग्री विच इज लेसर स्टेबल, 2 डिग्री दैट इज मोर स्टेबल, अब क्लियर है कि H2O किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस में, इसने भी कहा एचजी से ले जाओ इलेक्ट्रॉन, जब इसने कहा ले जाओ अनस्टेबल हो गया, दिस इज अनस्टेबल बिकॉज दिस इज 1 डिग्री, तो ये नहीं बनेगा वो बनेगा, तो ऐसा नहीं कि कार्बोकेटाइन बना, कुछ हुआ नहीं है, बस इसने जाके अटैक मारना था इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे, क्योंकि ये क्या है न्यूक्लियोफाइल और ये पूरी स्पीशीज टाइम अब इलेक्ट्रोफाइल, बदल गया रोल, पहले ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, और दोनों न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते तो रिएक्ट नहीं करते है ना, दोनों इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्ट नहीं करते है ना, तो ये आया यहां अटैक किया तो अब क्या बनेगा, ओ एच एच और इस पे लग जाएगा प्लस, ये प्लस चार्ज इसको थोड़ी क्षणिक देर के लिए मिला था वो प्लस चार्ज इस पर ट्रांसफर हो गया, तो ये वाला मैं मिटा दूं, ये मिटा दूं, ओवरऑल ये कहानी हुई क्योंकि वाटर ने अटैक किया तो वाटर जाके इस कार्बन पे कोऑर्डिनेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए कार्बन पे थोड़ी देर के लिए, इलेक्ट्रॉन लेके गया ये तो न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके गया न्यूट्रल, कार्बन पे थोड़ी देर के लिए प्लस चार्ज आया जिसको इसने जाके स्टेबलाइज किया, उसके ऊपर प्लस आ गया तब, अच्छा यहां तक कहानी हुई, अच्छा अटैक जरा ध्यान से देखो, एंटी वायर एंटी अटैक हुआ है तो एडिशन ऑफ वाटर एंटी होगा नहीं होता, अभी दिखाएंगे आगे, अटैक एंटी हुआ है पर एडिशन एंटी नहीं होता, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब अटैक मारा, नेक्स्ट स्टेप में अटैक मारा सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस, ये कहां से आया, ये इसलिए मैंने कहा था ये जो निकला था यहां से,
भाई इसने जब अटैक किया तो यहाँ से क्या निकाला था, ओ ए सी माइनस निकाला था, ओ ए सी माइनस बोले तो सी एस सी सी ओ माइनस, यस और नो भाई? यहाँ जब इसने अटैक मारा था ओ ए सी माइनस निकला था, ओ ए सी मतलब सी एस सी सी ओ साथ में ओ माइनस, ये इसका रोल क्या है, ये यहाँ से प्रोटॉन खींचना चाहता है, क्या खींचना चाहता है, प्रोटॉन खींचना चाहता है ना, यहाँ से H प्लस लेके निकल जाएगा, तो यहाँ से H प्लस यानी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बाहर आया, तो क्या बना सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू एच जी ओ ए सी, ऐसा लग रहा है कि एंटी एडिशन है, साथ में क्या निकला बाहर सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये सी एच सी ओ माइनस कहाँ से आया, ये जो बचा हुआ था इतने ने अटैक किया था, ये पार्ट जो बचा था ओ ए सी माइनस, ओ ए सी मतलब सी एस सी सी ओ माइनस, ये एच प्लस को खींचा, एच अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल आया भाई, ठीक है, यहाँ तक हो गई कहानी, ये हुआ पूरा ऑक्सी मर्क्यूरेशन कंप्लीट। अब डी मर्क्यूरेशन यानी मरकरी को बाहर निकालो, तो मरकरी को बाहर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एन ए बी एच फोर ओ एच माइनस, ये हाइड्राइड सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है हाइड्राइड, छोटी छोटी बातें हैं, H प्लस नहीं सप्लाई करता, क्या सप्लाई करता है H माइनस सप्लाई करता है, तो H माइनस कहां जुड़ेगा इससे, यहां से क्या हुआ ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकले HgOAc माइनस, इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए प्लस चार्ज आया और ये H माइनस जाके उसको बचा लेगा OH H, तो मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता हुआ दिख रहा है आपको, ओवरऑल देखो यहां से यहां में, यहाँ से यहाँ में ओवरऑल देखो कहानी क्या है, ओवरऑल कहानी ये है कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन मिला जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे और बचे वाले कार्बन को ओएच मिला, वाटर का एडिशन हुआ है, ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। अब बात है सिन है कि एंटी है, तो देखने में लग रहा है एंटी है, अपोजिट साइड से अटैक हुआ है देखने में लग रहा है, क्योंकि ये वाटर इधर से अटैक कर नहीं सकता था, पीछे से अटैक किया, ऐसा लग रहा है एंटी, पर रुको ये यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट, आपने पढ़ा होगा पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता बट सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में केमिकल बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये गोल गोल घूम सकता है, अरे पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक ऐसे बनता है पी पी सिग्मा होगा ना ऐसा, तो ये बॉन्ड तो यहाँ घूम सकता है ना, पाई तो ऐसे बनता है आपको पता है, कैन नॉट रोटेट, फंस गया एक्सिस के अबाउट, कट टूट जाएगा, दिस कैन रोटेट फ्री टू रोटेट, तो यहाँ पे रोटेट करके एच जी ओ ए सी ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी रह सकता है, तो इट इज नॉट श्योर कि एच माइनस किस तरफ जुड़ेगा, क्या पता ये रोटेट करके ऊपर हो क्या पता नीचे हो, सो अगर आप बोले एडिशन कैसा हुआ तो हम बोलेंगे सिन भी होगा एंटी भी होगा, यानी इसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्लियर हो गई बात, ये हो गई पूरी कहानी इसकी, बोलिए क्लियर हुआ इतना, नोट कर लें, मिटा रहे ओके, तो आपको समझ में आया ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, बट देर इज नो कार्बोकेटाइन, रिमेंबर देर इज नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, यानी कोई रीअरेंजमेंट वगैरह आप मत करना है, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह आप यहां पे शो नहीं करेंगे, चलो एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, मिक्स करते हैं सबको, अब जितने भी एडिशन ऑफ वाटर आपने पढ़े, सबसे पहले आपने पढ़ा H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एसिड कैटलाइज्ड, फिर आपने पढ़ा बी टू एच सिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ टी एच एफ फॉलोड बाई एच टू ओ टू और ओ एच माइनस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर आपने पढ़ा आज जो पढ़ा है एच जी ओ ए सी होल ट्वाइस फॉलोड बाई एच टू ओ फॉलोड बाई एन ए बी एच फोर ओ एच माइनस, चलो देखते हैं क्या डिफरेंस, सब एडिशन ऑफ वाटर है, All these are example of addition of water. यही तीन आपने पढ़े, summarize कर लिया जाए तीनों को, ये कौन सा है acid catalyzed, acid catalyzed में क्या क्या होता है जल्दी जल्दी याद करो, एक चीज होती है मार्कोनिक ऑफ एडिशन, पहली चीज तो
मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता था, H प्लस यहाँ जुड़ता था, फिर वाटर आके यहाँ अटैक करता था, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता था, इस पर प्लस चार्ज, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर वाटर अटैक करता था, फिर वाटर से H प्लस निकल जाता था, अल्कोहल बनता था, बट यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन प्लस कार्बोकेटाइन, ठीक है, याद रखना, यानी यहाँ पे रीअरेंजमेंट अगर होना होगा तो हो सकता है, तो यहाँ से इधर गया इलेक्ट्रॉन, इस पर H प्लस जुड़ा, फिर यहाँ पे आके वाटर जुड़ा, देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, रीअरेंज तो करेगा नहीं, अगल बगल 1 डिग्री है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट CH3CHOHCH2H ये यहाँ बनेगा। यहाँ कैसा एडिशन होगा, सिन की एंटी दोनों हो सकता है, कार्बोकेटाइन प्लेनर स्पीशी होता है, अटैक ऊपर से भी हो सकता है, अटैक नीचे से, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्पीशी, तो अटैक ऊपर से भी और नीचे से भी, तो सिन एंटी दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर हो गया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन दिख रहा है साफ साफ फॉलो होता हुआ, एच वहां जुड़ा जहां पे एच ज्यादा है। इसकी बात करें B2H6 over THF, इसकी बात करें, यहां पे क्या होता था, यहां पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता था, यहां एडिशन सिर्फ और सिर्फ सिन होता था और कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता, इसका अलग मैकेनिज्म है, पिछले लेक्चर पूरा समझाया, तो क्या हुआ एंटी एडिशन, CH3 CH CH2, याद है एच इस तरफ से और बी एच टू इस तरफ से, दोनों सेम साइड से जुड़ते थे, फिर बी निकलता था, तो यहां जुड़ेगा एच और यहां जुड़ेगा ओ एच, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, प्रोपेन 2 ऑल प्रोपेन 1 ऑल। फिर यहां आते हैं, यहां क्या हुआ, हमने देखा मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ, प्लस सिन भी बन रहा है और एंटी भी बन रहा है क्योंकि बॉन्ड रोटेट कर सकता है, प्लस नो कार्बोकेटाइन, यानी यहां कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, तो मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करो, CH3 CH CH2, यहां पे OH, यहां पे H। ये आसान एग्जांपल था, इसके बाद एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। नोट कर लीजिए, सारी बातें लिख दी हमने जो इनके एडिशंस में फॉलो होती हैं। चले मिटा रहे इसको, ओके। तो आप देख रहे हो कि एसिड कैटलाइज्ड और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोडक्ट सेम था। जरा रुको, एक क्वेश्चन ये देखो, CH3 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 CH double bond CH2, एच प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, BH3 THF B2H6 BH3 दोनों लिख सकते हैं, H2O2 over OH-, HgOAC whole twice, followed by water, followed by NaBH4OH-. चलो करो, चलो पॉज करके ट्राई करो। पिछली बार आपने देखा ये भी मार्कोनिक ऑफ रूल, ये भी मार्कोनिक ऑफ रूल, और प्रोडक्ट सेम आ रहा था प्रोपेन टू ऑल, अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये मार्कोनिक ऑफ रूल तो फॉलो करता है पर साथ में कार्बोकेटाइन भी बनाता है, यानी यहां रीअरेंजमेंट का चांस है। अब देखो ये यहां शिफ्ट होगा, सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन, H प्लस यहां जुड़ेगा, ये कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन कैसा है 2 डिग्री, इसके बगल वाला 3 डिग्री बनाने का चांस है। क्या होगा, यहां से CH3- मिथाइल शिफ्ट जाके यहां जुड़ेगा, प्लस यहां आएगा, यानी OH इस पे जुड़ेगा, CH3C, अरे भाई सब पढ़ा चुके हैं, अब डिटेल में क्या बताएं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ना 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 ना, बगल में मोर स्टेबल है, तो हमने कहा CH3 तुम मिथाइल शिफ्ट कर लो, इसने इलेक्ट्रॉन लेके CH3- बन के इसके ऊपर जाके चिपक गया, देखो ए CH यहाँ आके CH3 चिपक गया, और यहाँ क्या है CH3, अरे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, H प्लस यहाँ जुड़ेगा, ये तो CH3 बन ही जाएगा, इंग जिंग जिंग पाई इलेक्ट्रॉन आई इंग जिंग जिंग CH3 बन गया, ये प्लस आया, इसने कहा डिंग 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 2 डिग्री है, छी बगल में 3 डिग्री बन सकता है, इसने कहा CH3- को उठा के हम यहाँ लगा लेते हैं, तो CH3 यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके आया खींच के, और CH3- जाके इससे जुड़ा, प्लस चार्ज खत्म, जब CH3 इलेक्ट्रॉन खींच के आया तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ जुड़ेगा वाटर, फिर H प्लस निकल जाएगा OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिक ऑफ रूल गया बाढ़ में, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि मार्कोनिक ऑफ रूल बड़ा रूल नहीं होता, जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो काम, कई बार मैंने बताया है कि मार्कोनिक ऑफ रूल से बड़ा रूल है कि जो अंदर का मैकेनिज्म है एक्चुअल। मार्कोनिक ऑफ रूल तो आलसी लोग का शॉर्टकट है, लास्ट में छोटे मोटे क्वेश्चन में लगता है, इन सब में सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं। फिर हम इसमें आए, इसमें हमसे क्या बोला जाता है, इसमें हमसे बोला जाता था कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा और एडिशन सिर्फ और सिर्फ
सिन होगा. तो इसमें एंटाइम आर्कोनिक फॉल कर दो, खत्म टेंशन. सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच सी एच टू. डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाओ जिस पे हाइड्रोजन कम है और उस पे ओ एच जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है. ये बना. फिर इस पे आए, यहाँ क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ रूल तो फॉलो होगा पर नो कार्बो के टाइम सिन भी बनेगा और एंटी भी बनेगा. खैर यहाँ अभी स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसा कुछ है नहीं, कायरल कार्बन ही नहीं है. सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच सी एच टू. डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा उस पे ओएच. ये भी मार्कोनिक ऑफ रूल कर रहा था वो भी, बट देखो उसका प्रोडक्ट एकदम डिफरेंट है, इसका एकदम डिफरेंट है. वहां जो अल्कोहल बन रहा है 3 डिग्री, यहां जो अल्कोहल बन रहा है 2 डिग्री, क्योंकि यहां नो रीअरेंजमेंट बिकॉज देयर इज नो कार्बोकेटायन. तो बच्चों इतनी बातों के साथ एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन जैसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक 3 वीडियो में हमने कंप्लीट किया. अब हम लेके आएंगे ओजोनोलिसिस का टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.